हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गोलू की सावजी रसोई। रोज हम गोभी के पराठे, आलू के पराठे, तरह तरह के पराठे खाते हैं, तो आज भी हम बनाएंगे एक नए तरीके का पराठा और उसके साथ ही बनाने वाले हैं एक चटपटी सी चटनी जो कि पराठे की टेस्ट और भी बढ़ा देगा। तो चलो बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है मिक्सी जार और उसमें डाल रही हूँ 4-5 हरी मिर्च। उसी में डाल दूंगी मैं थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा अदरक और ये मिक्सचर को मैं दरदरा सा पीस लेती हूँ। ये देखो, यहाँ पे मैंने दरदरा सा पीस के ला लिया है, एकदम बारीक पेस्ट नहीं करना है। मिक्सचर को मैं अभी मिक्सिंग बाउल में निकाल लेती हूँ। अभी हम इसमें मिलाएंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज, एक ग्रेटेड गाजर, उसके साथ ही हम इसमें मिलाने वाले हैं एक चुटकी हींग, एक चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, एक चम्मच तिल, एक चम्मच अजवाइन और स्वादानुसार नमक। इसके साथ ही इसमें मिला रही हूँ हरा धनिया। अभी हम इसमें डालेंगे 1/4 कप बेसन और इसके साथ ही इसमें डाल रही हूँ 1 कप चावल का आटा। तो आज के पराठे हम जो बनाएंगे वो बनने वाले हैं चावल के आटे से। ये सारा मिक्सचर मैं अभी एक साथ मिक्स कर लेती हूँ और अभी इससे हमें बनाना है एक डो। पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो उसके बाद हमें पता चल जाता है कि इसमें कितना पानी लगेगा। तो इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक डो तैयार कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी भी बनता है ये पराठा। ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम ऐसे एक सॉफ्ट ऐसे डो तैयार कर लेंगे। इसे एकदम टाइट डो नहीं हमें बनाना है। ये देखो, यहाँ पे ये डो हमारा तैयार हो चुका है और ये थोड़ा सा सॉफ्ट ही है। अभी इसे मैं 10 मिनट ऐसे ही रहने देती हूँ, तब तक के हम चटनी बना लेते हैं। तो चटनी बनाने वाले हैं टमाटर से। तो मैंने 3 टमाटर को मोटा मोटा काट लिया था, वो मिक्सी जार में डाल दिया। उसके साथ ही इसमें डाला 1 प्याज, 2-3 लहसुन की कलियाँ, 2-3 हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक और इसे मैं वैसे ही पीस लेती हूँ। ये देखो, ये पीस के मैंने ला लिया है। अभी मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है और उसमें डाला हुआ है एकदम थोड़ा सा तेल। इसमें डाल दिया 1 चम्मच राई दाना और 1 चुटकी हींग। इसे हम थोड़ा सा तड़कने देते हैं और जैसे ही ये तड़कने लग जाए तो ये हम पूरा मिक्सचर इसमें डाल देंगे। बहुत ही मस्त लगती है ये चटनी। आप किसी भी पराठे के साथ इसे एंजॉय कर सकते हो। ये चटनी को हमें एकदम धीमी आंच पे यहाँ पे पकाने हैं। तब तक के हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे चटनी का कलर बहुत ही मस्त आएगा। उसके साथ ही इसमें हम डालेंगे स्वादानुसार नमक और इसे अभी हम मिक्स कर लेते हैं और इसे एकदम धीमी आंच पे पकने देते हैं। इससे इसका कलर भी अच्छा आएगा और इसकी टेस्ट भी बहुत ही अच्छी आएगी। इसे ढककर मैं अभी पकने देती हूँ धीमी आंच पे 3-4 मिनट तक के। 3-4 मिनट में ये चटनी पक जाती है। ये देखो कितना मस्त कलर आया हुआ है और अच्छे से पक भी चुकी है। ये देखो कितना मस्त दिख रहे है और खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आ रही है। अभी मैं ऊपर से इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा धनिया। ये धनिया ऊपर से डालने से इसका कलर इसमें अच्छा रहता है। गैस अभी मैं बंद कर देती हूँ। ये देखो, यहाँ पे मैं चटनी निकाल रही हूँ, कितनी मस्त दिख रही है, खुशबू भी मस्त आ रही है। आप इसे किसी भी खिचड़ी के साथ या किसी भी पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हो। ये चटपटी चटनी बहुत ही मस्त लगती है। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा आटा भी पूरी तरह से एकदम रेडी हो चुका है। अभी इसके हमें पराठे बनाने हैं। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा डो हाथ में ले लेती हूँ और इसे हाथ में अच्छे से प्रेस करके इसका एक बॉल तैयार कर लेती हूँ। ये देखो, बहुत ही इजीली बन जाता है। ये देखो, और यहाँ पर मैंने गैस पर एक तवा रख दिया है।
तवे पे मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है और उसे अच्छे से स्प्रेड कर लेती हूँ। बिना तेल का भी ये नाश्ता आप बना सकते हो। मैंने एकदम थोड़ा सा तेल लगाया हुआ है और पूरा तेल मैंने यहाँ पे स्प्रेड कर दिया है। और जो अभी हमने आज चावल के आटे का बॉल लगा बना के रखा रखे थे वो इस पे ऐसे डालकर इसे हाथ से ही ऐसे प्रेस कर लेती हूँ। अगर आपको ये हाथ में ऐसे चिपकने ले ऐसे लग रहा होगा तो हाथ में थोड़ा सा तेल ले लेंगे और इसके बाद इसको ऐसे हम प्रेस करेंगे तो ये एकदम परफेक्ट ऐसे पराठा हमारा तैयार हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे मैंने अब पूरा पराठा तैयार हो चुका है और एक तरफ से ये अच्छे से कड़क भी हो चुका है तो मैंने इसे पलटा दिया है। ये देखो कितना मस्त कलर आया हुआ है। इसे हमें दोनों तरफ से एकदम धीमी आंच पे पकाना है क्योंकि चावल का आटा और बेसन भी पकना चाहिए, इसलिए हम इसको एकदम धीमी आंच पे पकाएंगे। और इसमें अगर लगता है तो तेल भी आप लगा सकते हो, लेकिन बिना तेल का भी ये नाश्ता अच्छा लगता है। ये देखो दोनों तरफ से अच्छे से पक चुके हैं, अभी मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये देखो ये बन गए हमारे चावल के आटे के पराठे, बहुत ही मस्त दिख रहे हैं, अच्छे से पक भी चुके हैं और थोड़े से क्रिस्पी भी लगते हैं। और ये चटनी के साथ ये पराठे की टेस्ट बहुत ही अच्छी लगती है। ये पराठे आप कभी घूमने जा रहे हो तो लेके जा सकते हो या फिर बच्चों को भी टिफिन में दे सकते हो। तो आप भी इस तरीके के पराठे एक बार जरूर ट्राई करना, सबको बहुत पसंद आएंगे। थैंक यू।